अभी हम जानेंगे मल्टीपल क्लिप्स को सिंगल टाइमलाइन मुझे बनाना है विथ ऑटो इफेक्ट्स, यानी हर क्लिप के ऊपर डिजॉल्व भी लग जाए और वो सिंगल फाइल बन करके तैयार हो जाए। तो यहाँ पे मेरा बाय डिफ़ॉल्ट से टाइमलाइन बाय डिफ़ॉल्ट है। अभी मुझे खुद का एक टाइमलाइन बनाना है नया, तो मैंने क्या किया, राइट क्लिक किया, ऐड टाइमलाइन क्लिप किया, मुझे इसको जो भी नाम देना है मैंने नाम डाला, ओके क्लिक किया। टाइमलाइन के ऊपर यहाँ बिन पे आप देखोगे कि यहाँ पे एक नया फाइल बन गया जो अविनाश मैंने सेव किया था। इसके ऊपर डबल क्लिक किया माउस का, लेफ़्ट डबल क्लिक किया, लेफ़्ट क्लिक, और ट्रैक को सिलेक्ट किया। अब मुझे इसके ऊपर जो भी क्लिप डालनी है, मैं यहाँ से क्लिप को सिलेक्ट करूँगा, बिन से क्लिप्स को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, ऐड टाइमलाइन विथ ट्रांजिक्शन ऑप्शन है मेरा यहाँ पे। अब इसके अंदर मुझे कौन सी इफेक्ट देनी है, डिजॉल्व वाली देनी है या मैनुअल वाली देनी है, तो इसकी प्रोजेक्ट की सेटिंग्स यहाँ से ओपन होती है। एडिट के अंदर प्रेफरेंस में हम जाएंगे, प्रेफरेंस के अंदर मुझे कौन सी इफेक्ट देनी है, डिफ़ॉल्ट ट्रांजिशन वाली फेड देनी है, तो मैंने फेड सिलेक्ट कर लिया। अगर आपको अलग इफेक्ट चाहिए तो आप यहाँ से अलग अलग कैटेगरी वाइज भी इफेक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। राइट नाउ मुझे डिफ़ॉल्ट फेड देनी है, तो मैंने क्या किया, डिफ़ॉल्ट फेड पे सिलेक्ट किया। मुझे कितना समय का फेड चाहिए, 1 सेकेंड या 2 सेकेंड, जितना भी टाइमिंग सेट किया मैंने वहाँ पे ये इफेक्ट लग जाएगा। ओके क्लिक किया, क्लिप के ऊपर बिन में क्लिप को सिलेक्शन लिया मैंने, सारे क्लिप्स को मैंने कंट्रोल ए दबाया, राइट क्लिक किया, यहाँ पे ऑप्शन है ऐड टाइमलाइन विद ट्रांजिशन, ऐड टाइमलाइन विद ट्रांजिशन विदाउट ऑडियो, यानी ऑडियो के साथ चाहिए या मुझे वीडियो के साथ विदाउट ऑडियो चाहिए, तो मुझे फ़िलहाल मैंने ऑडियो के साथ का सिलेक्शन लिया। जैसे ही क्लिक किया, यहाँ पे दूसरा जो मैंने टाइमलाइन ओपन किया था उसके ऊपर मल्टीपल क्लिप्स के ऊपर यह मेरा डिज़ोल्व का इफेक्ट लग के रेडी हो गया, यानी क्लिप्स मेरा रेडी हो गया। अब इस क्लिप को मुझे ये सिंगल फाइल बना करके फर्स्ट टाइमलाइन पे लानी है, तो अभी यहाँ पे मैंने अविनाश जो टाइमलाइन बनाया है, मैं फर्स्ट टाइमलाइन में आऊँगा और यहाँ से अविनाश जो मैंने बनाया था टाइमलाइन, उसको सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, ये सिंगल फाइल बन के मेरा मेन टाइमलाइन पे आ जाएगा। तो इस टाइप से हम सिंगल टाइमलाइन बना सकते हैं मल्टीपल क्लिप्स का।